तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में ना आप लोग को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ टेक्निकल विनीत। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ लोगों को जो लोग गए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, गए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, कुछ दिन पहले आप सभी लोगों के लिए मैं वन प्लस कंपनी का एक नया स्मार्टफोन लेकर आ चुका था जिनका नाम था दोस्तों वन प्लस 10 प्राइम। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक अपकमिंग फोन लेकर आ चुका हूँ जिनका नाम है दोस्तों वन प्लस 10 प्रो। तो गाइस आप सभी लोग यार सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यह अभी लॉन्च नहीं हुआ है या दोस्तों अभी लॉन्च होने वाला है और यह मार्केट में अभी नहीं आया है। तो गाइस यह मार्केट में आने से पहले, लॉन्च होने से पहले इनका फुल डिटेलिंग बात करेंगे कि इसके अंदर में क्वालिटी कैसे होगा, क्या बेस्ट है क्या वेस्ट है, सब कुछ आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन का सबसे पहला फीचर जो कि गेट वजन के बारे में। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, या आप सभी लोगों को हल्का फोन देखने को मिलेगा, ज्यादा भी भारी नहीं है ज्यादा भी हल्का नहीं है, या मीडियम है, या गेट आप सभी लोगों को 201 ग्राम पर देखने को मिलेगा। और मेन बात गेट यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना, इसके अंदर में HTML मतलब ब्राउज की बात करेंगे ना तो HTML5 देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले के बारे में। उससे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, इनका जो डिस्प्ले है या गाइस आप सभी लोगों को ना AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और मेन बात इसके अंदर में ना 1B देखने को मिलेगा। 1B का मतलब होता है दोस्तों 1 byte। ओके, बहुत सारा डिस्प्ले के अंदर में आप सभी लोगों को 1 TB देखने को मिलेगा लेकिन इस फोन के अंदर में केवल 1 byte देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनकी साइज की बात करेंगे तो 6x7 inches का देखने को मिलेगा। और क्वालिटी की बात करेंगे तो 4K की क्वालिटी आप सभी को इस फोन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का सेकंड फीचर जो कि गेज रिजोल्यूशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, इस फोन के अंदर में 1440 से लेकर 3216 पिक्सल का इसके अंदर में रिजोल्यूशन को ऐड किया गया है जो कि दोस्तों एक बेटर क्वालिटी में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और गाइस बात करेंगे इस फोन का डिस्प्ले के अंदर में SPSL गोरिल्ला ग्लास विक्टर से प्रोटेक्शन दिया गया है। दोस्तों अब बात करूंगा इस फोन का OS के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। गाइस यहां पे आप सभी लोग ध्यान देना कि अभी ना 2022 आने के बाद जितने सारे भी लॉन्च हो रहे हैं मोबाइल उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा फोन के अंदर में एंड्रॉइड 12 वर्जन एंड्रॉइड 13 वर्जन देखने को मिल रहा है लेकिन इस फोन के अंदर में आप सभी लोगों को एंड्रॉइड 12 वर्जन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करूंगा इस फोन का स्नैपड्रैगन के बारे में। दोस्तों इसके अंदर में चेंजेस देखने को मिलेगा, नहीं तो अक्सर फोन के अंदर में 888 चिपसेट देखने को मिलता है लेकिन इस फोन के अंदर में आप सभी लोगों को ना 8 Gen 1 देखने को मिलेगा या दोस्तों अभी ना चेंज कर दिया है। दोस्तों अब बात करूंगा इस फोन का अगला फीचर जो कि दोस्तों मेमोरी पावर के बारे में। गैच यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि यह इंडिया में ना 4 ब्रांड में लॉन्च होगा और या दोस्तों इनका अलग अलग ब्रांड के अंदर में इनका अलग अलग इनका मेमोरी पावर देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑल ब्रांड के अंदर में इनका मेमोरी पावर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, इनका जो सबसे पहला फीचर के अंदर में मतलब सबसे पहला ब्रांड के अंदर में आप सभी लोग को 8 GB रैम देखने को मिलेगा, 128 GB इनका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करूंगा इनका सेकेंड ब्रांड की, इसके अंदर में 8 GB रैम तो है लेकिन गाइस इनका जो इंटरनल स्टोरेज है या दोस्तों आप सभी को हाई देखने को मिलेगा मतलब 256 GB अवेलेबल कर दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरा और चौथा ब्रांड के अंदर में इनका मेमोरी पावर के बारे में। तो गाइस यहां पे आप सभी लोग ध्यान देना, तीसरा ब्रांड के अंदर में आप सभी लोगों को 12 GB रैम देखने को मिलेगा, 256 GB इनके अंदर में इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों चौथा ब्रांड के अंदर में, इसके अंदर में सबसे हाई क्वालिटी देखने को मिलेगा। इस फोन के अंदर में आप सभी लोगों को 12 GB रैम देखने को मिलेगा और मेन बात इस फोन के अंदर में इनका इंटरनल स्टोरेज 512 GB देखने को मिलेगा। तो गाइस आप सभी लोग एक बेस्ट मॉडल लेना चाहते हो ना तो इनका ब्रांड को आप लोग समझो, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग ना फोन ले सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन का कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, इसके अंदर में टोटल कैमरा की बात करेंगे तो 4 देखने को मिलेगा, इनका बैक साइड में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इनका सेल्फी कैमरा 1 है। बात करते हैं दोस्तों इनका ऑल कैमरा का क्वालिटी के बारे में। यहां पे गाइस आप सभी लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा।
यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, इनका बैक सेट का जो मेन कैमरा होता है ना, या गैज, आप सभी लोगों को 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और मेन बात यहाँ पर है कि इसके नीचे में एक छोटे कैमरा देखने को मिलेगा, जिनकी क्वालिटी की बात करेंगे तो 8 MP देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि इसके नीचे में एक छोटा सा कैमरा देखने को मिलेगा, इनका क्वालिटी की बात करेंगे तो 15 MP देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, सबसे मेन कैमरा 48 MP का, उसके नीचे में 8 MP का, उसके नीचे में 50 MP का। तो गाइस आप सब लोग ध्यान देना, जो हाई क्वालिटी कैमरा का लेंसेस है ना, या नीचे कैमरा सेटअप कर दिया है। गाइस आजकल का जनरेशन को देख कर ना, सेल्फी लेना हर किसी को पसंद है। तो चलिए बात करते हैं इस फोन का सेल्फी कैमरा, सामने वाला कैमरा का क्वालिटी कैसे है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, इनका जो सामने वाला सेल्फी कैमरा की क्वालिटी की बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल का इनका कैमरा का लेंसेस लगा हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों आप बात करते हैं इस फोन का जनरल फीचर के बारे में, यहाँ दोस्तों आप सभी ध्यान देना, इनका जो ब्लूटूथ वर्जन की बात करेंगे तो 5x2 देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में GPS का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है, आप सभी लोग GPS की मदद से इस फोन को सर्च कर सकते हो। और इसके अंदर में रेडियो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप सभी लोग ध्यान देना, ओके। और इसके अंदर में फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, फेस लॉक देखने को मिलेगा, पैटर्न लॉक देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में एक बेस्ट स्पीकर अवेलेबल कर दिया है, बहुत सारे लोग आजकल गाना सुनने का शौकीन रखते हैं, तो आप सभी लोग इस फोन के अंदर में सुन सकते हैं। गैज आप बात करूंगा इस फोन का सबसे लास्ट फीचर, जो कि दोस्तों प्राइस के बारे में। गैज यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना, इनका जो स्टार्ट होने वाला है प्राइस 56,999 रुपया, आई मीन दोस्तों 57,000 के अंदर में। तो दोस्तों आप सभी लोग भी एक बेस्ट मॉडल 57,000 के अंदर में अच्छा क्वालिटी वाला फोन लेना चाहते हो ना, तो इस फोन को आप सभी लोग ले सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मैं हूं टेक्निकल विनीत, आप सभी लोग के लिए इंडिया में जितने सारे नए फोन लॉन्चेस होते हैं दोस्तों मैं उसी के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आप सभी लोग को इसी प्रकार का और भी न्यू फोन का नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो नीचे में एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलता हूँ सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए।